अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, खास तौर पर इन्फिनिक्स की यूजर्स के लिए, क्योंकि इन्फिनिक्स की हॉट 12 सीरीज आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर कंफर्म हो चुकी थी। हॉट 12 प्ले को भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है ऑफिशियली, और अब बारी है इन्फिनिक्स के हॉट 12 प्ले के लॉन्च होने की, और हॉट 12 एस भी आई थिंक सो लॉन्च होगा। आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 12 को लेकर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को पता होगा क्या रिक्वेस्ट होगी यार, अगर आप में से कोई चैनल पर न्यू व्यूअर है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक कर देना, काफी मोटिवेशन मिल जाती है आप लोग एक एक लाइक से भी, तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, और अगर पसंद आए तो आप लोग शेयर कर सकते हो इसको। वेल तो दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से लेकर। आपको जो फ्रंट पर डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है वो पंचोल वाला देखने के लिए मिल रहा है, सेंटर्ड पंचोल जिसको आप मिड पंचोल भी कहते हो। उसके अंदर 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने के लिए मिलेगी। 6.8 इंच का ये आईपीएस पैनल होगा, और यहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर आपको जो डिस्प्ले है वो 720p पे बेस दिखने के लिए मिलेगा, यानी HD प्लस होगा, फुल HD नहीं होने वाला। यहां पर ये चीज मुझे काफी ऑड लगी क्योंकि इस स्मार्टफोन की प्राइस टैग अराउंड कुछ नहीं तो 22,000 से 25,000 रुपए की आने वाली है, क्योंकि 22,000 रुपए में थोड़ा सस्ता नचा करके हॉट 12 प्ले को लॉन्च कर दिया पाकिस्तान की मार्केट में। कुछ नहीं तो इस स्मार्टफोन की प्राइस 22,000 से ऊपर होने वाली है, यानी 22,000 से 26,000 रुपए आप कह सकते हो, क्योंकि 22,000 रुपए में ऑलरेडी जो है ना इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले जो है ना अपना लॉन्च कर चुका है पाकिस्तान के मार्केट के अंदर, और प्रोबेबली ये स्मार्टफोन कोई 25,000 से 26,000 रुपए के प्राइस टैग के राउंड अबाउट आएगा। तो 25,000 से 26,000 रुपए में कभी भी आपको 720p वाला डिस्प्ले मेरे ख्याल से नहीं परचेज करना चाहिए, और इन्फिनिक्स का अपना ही स्मार्टफोन इससे बेहतर ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देगा। बैक का डिजाइन भी फाइनली रिवील हो चुका है, और बैक पर आपको ट्रिपल रियर कैमराज का सेटअप देखने के लिए मिलता है, और ट्रिपल में आप ये कह सकते हो कि जो एक सेंसर है ना वही काम का है, बाकी दो को जाने दो, छोड़ दो, बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, वही 48 मेगापिक्सल की गेम है उसको आजकल 50 मेगापिक्सल 2022 आ गया तो 50 पे कन्वर्ट हो गया, तो 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको एक सेंसर देखने के लिए मिलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा, और ये स्मार्टफोन XOS 10 के साथ आता है, जो कि इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला एक लेटेस्ट UI है। MediaTek Helio G85 इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा स्मार्टफोन के अंदर, जो कि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है, और G85 की गेमिंग खास और परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। रिसेंट टाइम में हम देख चुके हैं कि पबजी वगैरह बहुत अच्छे तरीके से रन कर लेता है, और जिस स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी बाकी प्रोसेसिंग स्पीड्स वगैरह भी अच्छी खासी हैं, और किसी किस्म का आपको डिले वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी रैम और रोम वेरिएंट्स जो है यहाँ पे कंफर्म्ड नहीं है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि 4/64, 4/128 और 6/128 ये 3 वेरिएंट्स हैं हमारे पास, लेकिन लॉन्च कोई 2 ही होने वाले हैं, सो प्रोबेबली 4/64 वाला भी हो सकता है, और 4/128 वाला भी हो सकता है, या फिर 4/128 और 6/128 वाला भी हो सकता है। स्टिल कंफर्मेशन नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बैटरी के बारे में बात करें तो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी विद 18W की फास्ट चार्जिंग। होप सो कि 18W ही रही है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की तरह ना, यहाँ पे कबाड़ा ना कर दें यार। सो ओवरऑल ये सारी के सारी स्पेसिफिकेशन है इस स्मार्टफोन की, और आई होप कि ये जल्द अज जल्द पाकिस्तान के मार्केट में आ जाएगा हॉट 12 प्ले, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के मार्केट में आ चुका है, तो ये भी आपको जो है ना जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो इसकी प्राइस टैग अराउंड कुछ 22-23,000 रुपये होने वाली थी, लेकिन 22,000 रुपये में तो यार इन्फिनिक्स ने अपना हॉट 12 प्ले लॉन्च कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कि 22 या 23 या 24 तक के भी आएगा, एटलीस्ट ये 25-26 तक जाएगा अभी, क्योंकि लॉन्च नहीं हुआ तो इसके बारे में ओपिनियन वैसा मैं आपको दे नहीं सकता कि यार ये स्मार्टफोन अच्छा है, ठीक है, प्राइस टैग के अंदर अगर आता है लाइक 20-22-23 में आता है तो फिर ठीक रहता है, लेकिन अगर 25-26 में जाएगा तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि मसले क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन नहीं देखने के लिए मिल रहा, इवन कि आपको इस प्राइस टैग के अंदर फुल HD के साथ साथ आपको AMOLED पैनल भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में यही सब था बताने के लिए। आई होप कि जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid to die.